बात प्रधानमंत्री मोदी की करते हैं, क्योंकि आज नमो ऐप के जरिए 10 लोकसभा सीटों पर बूथ समितियों और पन्ना प्रमुखों को संबोधित करने वाले प्रधानमंत्री मोदी तीसरे चरण की 10 लोकसभा सीटों पर साथ प्रधानमंत्री मोदी का ये कार्यक्रम है। जानकारी के मुताबिक पीएम इस वर्चुअल रैली में 22,648 स्थानों पर बूथ समितियों और पन्ना प्रमुखों को संबोधित करेंगे। जानकारी के मुताबिक इस वर्चुअल रैली में पीएम मोदी कुछ बूथ अध्यक्षों से भी बात करेंगे। पन्ना प्रमुख, बूथ समितियों के ये प्रमुख, बहुत बड़े कहें कि जीत के लिए चीज होती है बीजेपी के लिए, ये रणनीति है बीजेपी की कि आज भी किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री अपना पन्ना प्रमुख को रिपोर्ट करता है। यूं तो सबसे छोटे लेवल का ये कार्यकर्ता होता है, लेकिन सबसे बड़ा काम इसका यही होता है कि गांव गांव तक जाकर भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, की डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को गिनवाता है और बताता है। और इसीलिए देखिए, प्रधानमंत्री सीधे सीधे 22,000 कम से कम बूथ प्रमुख और पन्ना प्रमुख हैं जिनसे आज वर्चुअली जुड़ने वाले हैं, जो तीसरे चरण का मतदान होना है उसके लिए। आपको बताते चलें कि तीसरे चरण में यूपी की 10 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। तीसरे चरण के मतदान के लिए 7 मई की तारीख सुनिश्चित कर दी गई और इस 10 सीटों में संभल, बदायूं, बरेली, आंवला, एटा, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद और मैनपुरी शामिल है, यानी कि ब्रज क्षेत्र की सीटें शामिल हैं, जिसमें कुछ सीटें जहां समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है और कुछ सीटें ऐसी जहां भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में सही जीत दर्ज की है। प्रधानमंत्री मोदी आज यूपी की 10 सीटों पर वर्चुअली रैली करेंगे, पन्ना प्रमुखों से जुड़ने वाले। बीते रोज ये मोदी ने उत्तराखंड और राजस्थान में चुनावी रैली किया और इन दोनों ही रैलियों में पीएम के निशाने पर रही कांग्रेस। पीएम ने शहजादे शब्द का इस्तेमाल करके तंज भी कसा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो मौज करने के लिए नहीं, मेहनत करने के लिए पैदा हुए। एक दिन, दो रैली और 3 सूबे और एक बार में 40 सीटों पर असर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2024 का पहला मंगलवार ऐसे ही मनाया। देव भूमि के ध्यान से ही मैं सदा धन्य हो जाता हूं। राजस्थान के लोग हमेशा देश की मजबूती के लिए खड़े हैं। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के रुद्रपुर गए, रुद्रपुर में रैली करके वहां से ना सिर्फ उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को साधा, बल्कि करीब में उत्तर प्रदेश की 10 सीटों को भी मैसेज दे दिया। रुद्रपुर के बाद प्रधानमंत्री राजस्थान के कोटपूतली गए और वहां से पूरे राजस्थान यानी 25 लोकसभा सीटों को बीजेपी का 2024 वाला एजेंडा बता दिया, यानी एक दिन में 2 रैली और 40 सीटें प्रधानमंत्री ने कवर कर ली। उत्तराखंड और राजस्थान दोनों जगह ये प्रधानमंत्री की पहली रैली है। प्रधानमंत्री ने हमेशा की तरह पब्लिक से जुड़ने वाली बात कही, सीधी बात कही। रुद्रपुर में मजमा बहुत ज्यादा रहा। हम लोगों ने जो सोचा था वो पंडाल छोटा पड़ गया, मैदान छोटा पड़ गया, और इसलिए जितने अंदर बैठे उससे ज्यादा लोग बाहर धूप में तप रहे हैं। जो धूप में तप रहे हैं, हमारी व्यवस्था की कमी रही, इसके लिए मैं आप सबकी क्षमा मांगता हूं। उत्तराखंड की 5 सीटों पर पहले चरण यानी 19 अप्रैल को ही वोटिंग हो जाएगी। उत्तराखंड एक छोटा राज्य है, सिर्फ 5 लोकसभा सीट हैं, लेकिन इस राज्य में बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर हमेशा कड़ी रही है। हालांकि पिछले 2 चुनावों में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो चुका है। ताइवान में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। ताइवान की राजधानी भूकंप के तेज झटके आए, भूकंप से ताइवान में बड़ा नुकसान हुआ है। 7.2 तीव्रता भूकंप रही है भूकंप की, और इसी के चलते ताइवान में बड़ा
हमने नुकसान भी देखा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं भूकंप के बाद किस तरीके से ये पूरी बिल्डिंग देखिए टेढ़ी होती नजर आई है और जो लोग अंदर फंसे हैं उनको निकालने की कोशिश स्थानीय लोगों ने भी की है, लेकिन तीव्रता से आप अंदाजा लगा सकते हैं 7.2 बहुत ज्यादा होता है रिक्टर स्केल पर अगर इतना ये मापा जाए। आप देखते हैं कि जब 4 के अराउंड ही आता है तो किस तरीके से आपको वो कंपन महसूस होती है कुछ सेकंड के लिए, और यहाँ तो 7.2 रिक्टर स्केल का जो है भूकंप आया ताइवान की राजधानी में, जिसके चलते देखिए ये बिल्डिंग पूरी तरीके से टेढ़ी हो गई है और भी नुकसान हुआ है आसपास। देखिए ये नीचे की दुकानें देखिए टूट चुकी हैं और अंदाजा लगाइए कि जो यहाँ मौजूद रहा होगा उसके लिए कितना दहशत भरा ये पूरा पल रहा होगा, कुछ समझ पाइए, क्योंकि नेचुरल कलामिटी इस तरीके की होती है कि कुछ समझ पाए आप उससे पहले ही चीजें बिखर जाती हैं, बिगड़ जाती हैं। देखिए नीचे पूरी स्कूटी बाइक सब कुछ दब चुकी है और ये ऊपर बिल्डिंग थी, और जो हम तस्वीरों से समझ पा रहे हैं वो यही, ये बिल्डिंग देखिए जरा पूरी तरीके से टेढ़ी हो चुकी है और एक तरफ झुक गई है पूरी तरीके से, और नीचे की दुकानें तो एकदम खत्म हो चुकी हैं लगभग, और ऊपर जो अंदर मौजूद रहे होंगे लोग उनके लिए कितना दहशत भरा ये पूरा पल रहा होगा। अब बात एक बार फिर से चुनावी दंगल की करते हैं। उत्तराखंड में इस बार भी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। कांग्रेस के लिए इस बार का चुनाव करो या मरो वाला है। 2014-2019 पिछले दोनों लोकसभा चुनावों में यहां बीजेपी ने पांचों की पांचों सीटों पर अपनी जीत हासिल की। इस बार बीजेपी के सामने हैट्रिक लगाने का मौका है। पिछले 10 सालों में बीजेपी ने उत्तराखंड के फैसले से सभी को चौंकाया है, लोकसभा हो या राज्य की विधानसभा। उत्तराखंड में कांग्रेस के नेता जैसे गायब से हो गए हैं। कांग्रेस के शाही परिवार के शहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुनी आग लग जाएगी, 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए, अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं, क्या ये आग लगाने की बात आपको मंजूर है, क्या इस देश को आग लगाने देंगे, क्या आग लगाने की ये भाषा उचित है, क्या ये आग लगाने वाली भाषा लोकतंत्र की भाषा है, ऐसे लोगों को सजा करोगे, पक्की सजा करोगे, चुन चुन करके साफ कर दो, इस बार इनको मैदान में मत रहने दो भाई। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 5 सीटों पर कब्जा किया, उसका वोट शेयर रहा 55%। 2019 के लोकसभा चुनाव का भी यही फैसला था, जबकि बीजेपी का वोट शेयर 5% और बढ़ चुका था। इस बार रुद्रपुर में रैली से पहले प्रधानमंत्री ने रोड शो किया और बताया जा रहा है कि ये